सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पोंचे का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। सलवार में नीचे पोंचा बनाना है हमने, उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मेरी सलवार रेडी है और नीचे का हिस्सा है ये पोंचे वाला, और ये मैंने बुकरम लिया है। बुकरम लेकर बुकरम की जो चौड़ाई है वो आप देख लें, आपने कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने ये 2.5 इंच चौड़ा बुकरम का ये पीस लिया है, और लंबा तो हम इस हिसाब से लेंगे जैसे कि ये पोंचा है हमने यहाँ पे रखा किनारे पे, और बिल्कुल इसके इस तरह बराबर ये हमने यहाँ पे डिज़ाइन कट करना है। इसलिए हमें ये पूरी पूरी बुकरम चाहिए, यहाँ पे हमने ज़्यादा नहीं लेनी है। ये हमने इस तरह कट कर दिया है, और ये जो हमारी बुकरम आएगी बिल्कुल यहाँ पे पूरी पूरी आएगी। अब पोंचे के ऊपर पहले इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम पहले डिज़ाइन अपना ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो है ये पूरा 8 इंच का है, तो अब हम यहाँ पे 2-2 इंच के निशान लगा लेते हैं। 8 इंच टोटल है, तो 4 यहाँ पे बॉक्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 चार बॉक्स बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फोल्ड करेंगे इसे इस तरह, ठीक है। अब हम इधर से फोल्ड करते हैं इस तरह इसके ऊपर। यहाँ से अब हम फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कट नहीं करना है, ये हमारी पोंचे की बाहर वाली साइड है, यहाँ तक ही कट करना है हमने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/4 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं, 1/4 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। इसको हम इस तरह सर्कल का निशान इस तरह देकर फिर हम इसे कट कर लेंगे। चलिए अब हम इसे कट करना शुरू करते हैं। अब हमने इस साइड से या इस साइड से कहीं से भी आप कट करना शुरू करें। ये लीजिए, ये हमारा इस तरह पोंचे का डिज़ाइन कट गया है। बहुत ही अच्छा कंगूरे वाला डिज़ाइन ये बनेगा पोंचे में, तो जब आप इसे पहनोगे ये बिल्कुल डिफरेंट लुक देगा। तो अब हम इसे इस कपड़े के ऊपर इस तरह रख लेते हैं। रखने के बाद हम इसे पहले थोड़ा सा 1/2 इंच कपड़ा इधर छोड़कर पहले इसमें एक सर्कल की इस तरह निशान इस तरह सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको पोंचे में सलवार में सिलेंगे तो कई बार ये कपड़ा हिल जाता है, इसलिए हम इसे गोलाई में ही फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे बखिया आप बड़ा चला सकते हैं क्योंकि ये तो दिखना नहीं है पोंचा, ये अंदर ही चला जाएगा। और इस कपड़े को हम इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और अब हमने ये कपड़ा बिल्कुल इसके बराबर कट कर देना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है जी। अब हम अगर कपड़ा आपको ज़्यादा दिख रहा है नीचे की तरफ तो आप इसे काट दीजिए, अगर आपके इस सिलाई से थोड़ा सा नीचे है फिर आप रहने दीजिए। ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग दी है, यहाँ पे थोड़ा कपड़ा ज़्यादा था। अब हम पोंचे का हिस्सा लेते हैं, जो जहाँ पे हमने पोंचा बनाना है वो ले लेते हैं। इसे हम इस तरह खोल लेंगे। खोलने के बाद अब आप इस तरह रख के देख लीजिए, ये आपका पोंचा बिल्कुल बराबर आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1-2 जगह इसे पकड़कर पिंस लगा दीजिए। ये सिर्फ बिगनर के लिए, जो लोग अभी नया नया सीख रहे हैं, जो लोग तो सीख चुके हैं जिनको अच्छी तरह काम करना आता है उन्हें इस तरह पिंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आपने बीच बीच में 1-2 पिंस लगानी है ताकि जब हम सिले पोंचा बिल्कुल नीचे से ऊपर नीचे ना हो, ये अच्छी तरह फिनिशिंग से बन जाए। कपड़ा आपने नीचे का बराबर रख लेना है, फिर इसको पिन लगा देने हैं, ठीक है जी। ये पिन मैंने 3 जगह लगा दिए हैं। अब हम इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। अब बखिया हम बारीक रखेंगे, यहाँ पे बखिया मोटा नहीं करना आपने। अब जो सिलाई लगानी है हमने वो बुकरम के नीचे लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
इसी तरह हम गोलाई में इसे सिल लेंगे। अब ये पिंस निकाल देते हैं। अब हमने यहाँ पे जो ये इसका कॉर्नर है इस पर कट लगाना है, और आपने सिलाई का ध्यान रखना है, सिलाई आपकी कटनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम इसे इस तरह पकड़ेंगे और अपनी फिंगर की हेल्प से इन सर्कल्स को बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह अब हमने इसे इस तरह पकड़कर एक बार फिनिशिंग दे देनी है, अच्छी तरह निकाल देना है कपड़े को सभी सर्कल में से। ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको आप एक बार पकड़ के इस तरह दो बार ट्विस्ट कर दीजिए तो ये बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक साइड से, किसी भी एक किनारे से, जिस साइड से आपका हाथ चल रहा है, आप सिलाई लगाना शुरू करें। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई निकालनी है। ये हमने यहाँ पे किनारे पे सिलाई देखिए निकाल दी है अच्छी तरह। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड पे ऊपर की तरफ टॉप पे एक सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे भी हमने अब पूरे पोंचे में बखिया अब हमने ब्रीक रखना है, मोटा नहीं करना। यहाँ से अब हम सिलाई टर्न करेंगे। अब हम इस पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह हमने यहाँ पे चार लाइंस लगा देनी है। पहले हम सीधी चार लाइंस लगा लेते हैं। अब यहाँ पे चार लाइंस लग चुकी हैं। अब हम यहाँ पे नीचे भी दो तीन लाइंस लगाते हैं। इसे हमने यहाँ पे रोकना है, फिर सर्कल पे घुमाना है, यहाँ पे फिर रोकेंगे। इसी तरह हमने हर कॉर्नर पे रोकना है और पूरा सर्कल में घुमा देना है। एक सिलाई हो गई है, अब एक बार और मारते हैं इसी तरह सिलाई।
ये देखिए यहाँ पे भी सिलाइयाँ लग चुकी हैं और यहाँ पे भी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। ये स्क्रोल हम बाद में भर लेंगे, पहले मैं आपको डिज़ाइन बनाना बता देती हूँ। इसके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में एक एक निशान लगा लेंगे। आप डिज़ाइन वैसे अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी भर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मेरे वाला ही भरना है। बस ये पोंचे का डिज़ाइन मैंने आपसे शेयर करना था, वो मैंने किया है। अब इस तरह हमने इसे घुमा लिया है, थोड़ा सा घुमाकर इस तरह थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया है। फिर अब हम इस तरह चला लेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। मैं आपको अगले में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस तरह, इस तरह, मैं आपको अगले वाले में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये है हमारा, इसे हम पहले इस तरह चलाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ सिलेंगे, हल्का सा दो पैर इस तरह ले आएंगे। फिर हम इधर ले जाएंगे, इसी तरह ऊपर की तरफ गोलाई, नीचे की तरफ सीधा, ये इस तरह हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक छोटा सा बॉक्स टाइप में इस तरह ये एक डिब्बी सी बना देंगे। ये अब हमारा पूरे में इसी तरह हमने बनाना है। इस साइड देखो ये बन चुका है, ये अभी पूरे में यही वाला पैटर्न चलेगा। चलिए अब हम अगला वाला बनाते हैं। धागा यहाँ पे बार बार तोड़ना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए तोड़ा है। आगे की तरफ आप इसी तरह चलते जाओगे। अब इसी तरह ये वाला डिज़ाइन भी आगे बना देंगे। ड्रॉ मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया है, अगली बार आप इसी तरह आप पूरे में एक बार ड्रॉ कर लें, यही डिज़ाइन फिर बनाते जाएं। ये देखिए ये वाला जो डिजाइन बना है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ एक बार। ये जो डिजाइन बन गया है, यही वाला डिजाइन हम पूरे सर्कल्स के अंदर बना लेंगे। अब ये नीचे का डिजाइन तो बन गया है, अब ये जो चार हमने लाइंस लगाई थी इसमें अभी स्क्रॉल भरेंगे। तो स्क्रॉल भरने के लिए भी कईयों का आया है मैसेज कि हमारी स्क्रॉल ठीक नहीं बैठती है। तो आपने क्या करना है, मशीन की स्पीड तो रखनी है नॉर्मल, हाथ रखना अपना तेज। देखिए इस तरह चलना है आपका हाथ, इस तरह आप चलाओगे तो बहुत अच्छी और बारीक स्क्रोल निकल के आएगी। तो इसी तरह आप चलाएं। ये देखिए ये जो स्क्रोल आई है बिल्कुल बारीक आई है, तो इसी तरह ये स्क्रोल आएगी अगर आप इसे हाथ को और मशीन का चाल का बैलेंस बिल्कुल ठीक रखोगे। बस ये लास्ट स्क्रोल आपने लगानी है और आपका पोंचा रेडी हो जाएगा। और यहां से फिनिशिंग दे देंगे इसे और इस साइड से भी। अब ये पोंचा हमारा रेडी है, बस अब हमने इसे इस तरह फोल्ड करके
बस फिटिंग की सिलाई लगानी है, जितना पोंचा आपने रेडी रखना है 6 इंच 7 इंच उसी हिसाब से आपने इसकी कटिंग की है, तो उसी हिसाब से आप इसे सिल लोगे। ये मेरे पास दूसरा है, ये मैंने पहले रेडी कर लिया था आपको दिखाने के लिए कि दोनों कैसे लगेंगे। ये दोनों पोंचे हमारे रेडी हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये पहने हुए। तो इनको अब हम क्या करेंगे, इस तरह पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह पकड़ के। आपने पोंचा अपने हिसाब से रख लेना है, दोनों पोंचे बराबर बने हैं। ये पोंचा हम इस तरह जो हमने आपके साथ बनाया है वो करते हैं यहाँ पे, और पोंचे का जो निशान है वो लगाएंगे यहाँ पे, रखते हैं इंच टेप और रेडी कर लेंगे पोंचा। जितना भी आपने रखना है, मैं 6.5 रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख लें जितना रखना है। 6.5 हमने रखा है और इन दोनों पैरों दोनों पल्लों को बराबर रख के सिलाई लगाएंगे। नीचे थोड़ी सी सिलाई डबल कर लेते हैं, बाकी की सिलाई इसी तरह सिंपल चलाएंगे, फिर बाद में डबल करेंगे। इस तरह हम इसे सिल लेंगे, बाकी की सिलाई मैं बाद में लगा लूंगी, पहले मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। ले लीजिए, ये हमारा पोंचा बनकर बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको यह स्टिचिंग और कटिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।